रोड की हालत ऐसे जज करो। विश्वजीत सिंह, इनका फेस देख के रोड की हालत जज कर सकते हो कि रोड की हालत क्या होगी। लेकिन सब बर्बाद हो गया भाई। अगर हम लोग वहाँ से आते हैं तो लद्दाख तक ये चार बार ऑयल खराब कर देगी। Hey guys, welcome back to my channel। और कल के वीडियो में भाई हम आ गए थे आनंदपुर साहिब तक और यहाँ से अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ और देखते हैं आज मनाली क्रॉस करके और कितना आगे तक चल पाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट था फर्स्ट डे दिल्ली, सेकंड डे मनाली, थर्ड में आपका लेह से पहले कोई स्टॉप जैसे सरचू और फोर्थ में सरचू के आगे लेह तक जाने का था। लेकिन सब बर्बाद हो गया भाई, और क्योंकि दिल्ली हम लोग लेट पहुंचे, पलवल पहुंच पाए थे, दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे। और उसके बाद अभी हम मनाली जा रहे थे तो मनाली यहाँ से 250 किलोमीटर दूर रह गया, आनंदपुर साहिब हमें रुकना पड़ा क्योंकि रात को बाइक्स जो है क्लच प्लेट चिपक रही थी इनकी, पता नहीं क्या हुआ था। और अभी जब ये रात भर खड़ी हुई और सुबह जब हम लेके निकल रहे हैं इन्हें तो परफेक्ट चल रही है। फिर भी हम लोगों ने मैकेनिक के यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई क्या हुआ है और जैसा भी होता है लेके फिर चलते हैं, देखते हैं मनाली आज कितना हम लोग क्रॉस कर पाते हैं। तो अभी भाई ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इनका कहना है कि ऑयल इसका चेंज होगा। और अभी हम लोग सिर्फ 1100 किलोमीटर ही चले हैं और इसका पल्सर 220 का ऑयल ख़राब हो गया भाई। ये तो बड़ी परेशानी हो गई यार। अगर हम लोग वहाँ से आते हैं तो लद्दाख तक ये चार बार ऑयल ख़राब कर देगी। तो ये देखो भाई, सिर्फ 1100 किलोमीटर चली है गाड़ी और पूरा ऑयल सूख गया, इसका पूरा ऑयल जल गया, इतना सा ऑयल बचा है। आपके सामने निकाला मैंने, ये देखो। तो अभी उधर जो है अपनी बाइक में ऑयल डल रहा है, तब तक हम लोगों ने सोचा भाई चाय पी ली जाए। तो यहाँ पे चाय बन रही है, चाय पीते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। इधर बैठने की अच्छी जगह है, ठंडा ठंडा लग रहा है इधर। तो इधर से चाय पीते हैं, तब तक ऑयल डल जाएगा। इधर केरियाँ लगी हुई हैं आम में, देखो भाई कहाँ गई बे, ये लगी है इधर, देखिए क्या। तो अभी हम लोग बीच में रुके हुए हैं और लगभग 50-60 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई और रुक गए हैं। ये एक भाई और हैं। क्या नाम है भाई आपका? निश्चय। दिल्ली से हो? दिल्ली से हैं निश्चय भाई। तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, देखते कहाँ तक साथ चलते हैं, बाकी फिर चलते हैं लद्दाख तक ही चलेंगे नहीं, जहाँ तक कंफर्टेबल लगेगा वहाँ तक चलेंगे। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं भाई, बज रहा है 2:30 और यहाँ पे हमने लिया है अंडा करी और तंदूरी रोटी। तो अंडा करी का रेट यहाँ पे मिला है 100 रुपये, 3 अंडे मिले हैं और ग्रेवी मिली है और रोटी 10 रुपये की एक है। तो अभी इसे फिनिश करते हैं और चलते हैं। सुबह से चल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और आज 10 बजे के बाद से तो अभी तक हमने बाइक चलाई है सिर्फ 175 किलोमीटर बाइक चली है सिर्फ। और वो इसलिए क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालत देखोगे रोड की, हालत ऐसे जज करो। विश्वजीत सिंह, इनका फेस देख के रोड की हालत जज कर सकते हो कि रोड की हालत क्या होगी। ये देखो इनका गला देख के जज कर लो और इनकी अपर देख के जज कर लो भाई। हालत देख रहे हो, रोड की हालत बड़ी खराब है, मेरे हाथ देख लो। और सिर्फ 175 किलोमीटर ही हम चल पाए हैं। तो अभी चलते हैं भाई इधर से। और ये रहा व्यू, मनाली पहुंचते पहुंचते पहाड़ बहुत ज्यादा आ गए हैं और एक नई टनल भी बन रही है जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया है। अभी बज रहा है 10 बजने में 10 मिनट है तो हम लोग माल रोड घूमेंगे थोड़ा सा। और बाकी ये रूम है, एक रूम ये है और सेम ऐसा ही रूम एक और है। तो 1300 रुपये में हमने ये दोनों रूम ले लिए हैं। सुबह 5 बजे हम लोग निकलेंगे लद्दाख के लिए, तो अगला वीडियो भी जरूर से देख लेना। माल रोड का व्यू है, यहाँ पे काफी सिटिंग एरिया भी होता है, आप आके आराम से बैठ सकते हैं। और इधर बाइक्स कार वगैरह अलाउ नहीं है तो आप आओ इधर बैठो। और काफ़ी सारी शॉप है इधर, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे ठंड के लिए कोई सामान चाहिए, स्वेटर, इनर, टोपे वगैरह, मफलर, सब कुछ इधर मिल जाता है खाने पीने को। इधर रेस्टोरेंट भी है तो रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और बच्चे के खेलने के लिए कुछ
चीजें चाहिए तो वो भी आपको इधर मिल जाने वाली। लोग हैं मनाली में, रात को मनाली पहुंच गए थे और आगे जाने का प्लान था, लेकिन जो बाइक है पल्सर 220 हमारे पास, वो ऑयल बहुत ज़्यादा खा रही है आनंदपुर साहिब। लगभग 200 किलोमीटर पहले हमने ऑयल डलाया था उसमें, और मनाली पहुँचते पहुँचते ऑयल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो 2-3 डब्बे ऑयल के उसके लिए लेके जाने पड़ेंगे हमें। और ये देखोगे सामने मनाली का व्यू, और वहाँ पर शायद सोलांग वैली है, वो तो सोलांग वैली का माउंटेन आपको दिख रहा है और बर्फ डली हुई है अभी उधर, और नीचे अल्टीट्यूड्स पे बर्फ़ नहीं मिलेगी, हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर ही अभी मनाली में बर्फ़ मिलेगी। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मनाली टू लेह जाएंगे अब हम लोग, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर से देख लेना। और इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी सवाल है इस जर्नी से रिलेटेड तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो।